देखो हमें महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है 12, 45 और 75 का हमें मसा ज्ञात करना है, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करते हैं, ये 12, ये 45 और ये 75। चलो दो से देंगे, दो का टेबल बोलो 12 आ जाए, दो छम 12, दो का टेबल बोलो 6 आ जाए, दो किया 6, 3 एकम 3। ठीक है, अब आखिरी में 5 है तो 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 4 में से 3 गया, 1 बच्चा पड़ोसी को दिया, 3 और 5 15, 5 एकम 5, 5 एकम 5। फिर 3 से देंगे, 3 से देंगे, फिर 3 दूनी 6, 7 में 6 गया है, किसको दिया, 3 और 5 15, 5 का 25 और 5 एकम 5। तो देखो 12 के जो फैक्टर हुए, 45 के जो फैक्टर हुए और 75 के जो फैक्टर हुए वो हम यहाँ लिख देंगे। 12 के हुए 2, 2, 3, 45 के हुए 3, 3, 5, 75 के हुए 3, 5, 5। तो मसा हमें क्या निकालना है, हम क्या निकाल रहे हैं, मसा निकाल रहे हैं, है ना। तो मसा हमारा क्या हो जाएगा, मसा हो जाएगा हमारा कॉमन फैक्टर जो तीनों में है, इसमें भी हो, इसमें भी हो और इसमें भी हो, बताओ क्या है, तीन, वेरी नाइस, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो आपका मसा कितना हुआ, 3 ही आपका मसा।